दोस्तों अगर आप लोगों को कम प्राइस में डॉग्स परचेज करने हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और अगर हाई प्राइस में परचेज करने हैं तो वो भी, क्योंकि मैं सभी टाइप्स की डॉग्स ब्रीड अपने चैनल पर डालता हूं और वो भी डेली। तो अगर आप लोग भी डॉग्स ब्रीड परचेज करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा एवरग्रीन डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि फैमिलीज के लिए सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है, जिसका नाम है लैब्राडोर। तो गाइस आज जो लैब्राडोर पपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इनमें आप लोगों को सिर्फ फीमेल पपीज ही मिल पाएंगे, बिकॉज मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, और प्राइस के हिसाब से पपीज की क्वालिटी आप लोगों को काफी पसंद आएगी। वैसे हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूं कि पपीज के जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस है ना, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो तो आप लोगों को ऑन डिमांड मिल ही जाएंगे। और ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी आप लोग किसी पपी को परचेज करो तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स के बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें कि उनकी क्वालिटी कैसी है, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि जिन पपीज को आप लोग परचेज करे हो ये किस लेवल के होने वाले हैं। वैसे पपीज जो है ना, दोनों के दोनों काफी एक्टिव है, बिकॉज ओनर के पास ये दो ही फीमेल्स अवेलेबल है, और दोनों के दोनों काफी एक्टिव है, और हमेशा आप लोगों को एक एक्टिव पपी ही परचेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग थोड़े बहुत पैसों की वजह से आप लोग किसी लेजी पपी को परचेज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि भाई वो बीमार हो या आगे चल के आप लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। तो गाइस लैब्राडोर उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहती है जिन्हें डॉग्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जो पहली बार अपना पेट लेने जा रहे हैं। तो भाई आप लोग बेफिक्र होकर लैब्राडोर को परचेज कर सकते हो, क्योंकि आप लोग आसानी से इन्हें ट्रेन भी कर सकते हो और इन्हें होममेड फूड पे भी रख सकते हो, क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव फूड की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोगों का बजट नहीं है ना, तो आप लोग आसानी से घर के खाने पे इन्हें रख सकते हो। वैसे गाइस लैब्राडोर का बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं, और ये काफी फन लविंग एंड फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, जो अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन खेल सकते हैं। और गाइस इनके साथ आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलता है यार, अगर आप लोगों के घर में ऑलरेडी कोई कैट डॉग या कोई और एनिमल्स है ना, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ये उनके साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। वैसे गाइस अगर इन लैब्राडोर पपीज की एज के बारे में बात करें ना, तो ये 43 डेज के हो चुके हैं, डिफॉर्मिंग अभी तक ओनर ने कर दी है, बट वैक्सीनेशन आप लोगों को खुद ही करानी होगी, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है ना, हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं कि भाई कल कराएंगे परसों कराएंगे, और इस वजह से काफी लेट हो जाता है, और पपीज को फिर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि काश वैक्सीनेशन पहले ही करा लेते तो ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। और गाइस अगर बात करें ओनर की लोकेशन के बारे में, किन पपीज को आप लोग कहां से परचेज कर सकते हो, तो गाइस ओनर की जो लोकेशन है वो है झांसी उत्तर प्रदेश से। बाकी दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट जाकर परचेज करो तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट जाकर क्वालिटी भी देख सकते हो और बार्गेनिंग भी अच्छे से कर सकते हो। बट डोंट वरी, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे तो ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन भाई उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें, तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि ये सिर्फ फीमेल्स ही अवेलेबल है, तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 6000 पीस, यानी सिर्फ 6000 रुपए। भाई इस प्राइस में आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, बाकी इसमें भी आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।